नमस्कार धरती वासियों, पता है ना इवो MP40 आ रहा है। चल झूठा। ले भैया ओम थोम, यहाँ पर इवो M41 भी आने वाला है। देख रहा है ना विनोद, कैसे रेयर आइटम बोल बोल के दोबारा लाए जा रहा है। और पता है आज रात 12 बजे क्या आने वाला है, हमारा नेक्स्ट टॉपअप इवेंट कौन सा होने वाला है। वैसे अगर इस वीडियो को 1 लाइक दोगे ना तो सब कुछ बताऊंगा, और सब्सक्राइब कर दोगे ना तो तुम लोगों के लिए ना भैया यहाँ दिल में जगह है। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे अपकमिंग टॉपअप इवेंट के बारे में, जो की आज रात 12 बजे आने वाला है। इसके अंदर तुम लोग को एक विचित्र प्रजाति, मतलब प्राचीन प्रजाति की उल्लू देखने को मिलेगी, जो कि यार अब धरती पे ना खत्म हो चुकी है और ये गरीना के पास जा चुकी है। 100 डायमंड के अंदर ये वाला उल्लू का पेट देखने को मिलेगा। अब इसकी शक्ल ना मेरी शक्ल से एकदम मिलती जुलती है, तो मैं इसको जरूर निकालूंगा। तो 100 डायमंड में ये आ जाएगा। इसके साथ ही आप लोगों को इसकी स्किन जो है ना ये ब्लू वाली, वो 500 डायमंड में मिलेगी, एंड 200 डायमंड में ये रेड वाली स्किन मिलेगी। तो ये है आज रात 12 बजे की, सुबह के 4 बजे की अपडेट। इस उल्लू की खास बात ये है ना कि इसके अंदर एक इमोट भी है, जो कि यार उड़ने में काम आएगा, एंड 500 का ये इमोट भी आ जाएगा साथ ही साथ। मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कौन कौन ये वाला इमोट पेट नहीं निकालने वाला है। क्या भाई तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें शाबाशी दूंगा अगर निकाल लोगे तो। वैसे निकालने से याद आया, ये आप लोगों को ना M41 की स्किन इंडियन सर्वर में आने वाली है। अभी देखो ये 5 प्रजाति का M41 जो आप लोगों को एक बार इंक्यूबेटर के अंदर देखने को मिला था ना, तो ये आप लोगों को एक वेब इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा। अभी वेब इवेंट का ना पूरे तरीके से एक्सेस निकल के नहीं आया, बट जो हल्का हल्का एक्सेस निकल के आया ना वो आप लोग देख सकते हो यार। अभी बताया ये जा रहा है ना कि इसी वेब इवेंट के अंदर आप लोगों को M41 यानी कि हमारा जो इवो M41 का लुक है ना, वो इसी वाले वेब इवेंट के अंदर आ सकते हैं। अभी फिलहाल के ये वेब इवेंट जो है ना 15 तारीख से पहले बांग्लादेश के सर्वर में देखने को मिलेगा, एंड इंडियन सर्वर में 20 तारीख के बाद देखने को मिलेगा। अभी तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये वाला जो M41 है ना सबसे पहले इंडियन सर्वर में कौन से इवेंट में आया था, इंक्यूबेटर में आया था, वेब इवेंट में आया था, लक रॉयल में आया था, कहां आया था। तो इस इवेंट के अंदर आपको 4 प्रजाति के गन स्किन देखने को मिलेंगे। वैसे इसके अंदर ना एक और इंक्लूडेड गन स्किन होगा, जो कि इवो M41 होगा। अभी फिलहाल के लिए ये एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है कि कब आने वाला है, बट 15 अगस्त के बाद आपको बांग्लादेश के सर्वर में, 20 अगस्त के बाद इंडियन सर्वर में देखने को मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर ना आप लोगों को जल्दी इलेक्ट्रिक शॉक बंडल जो इंडियन सर्वर में आने वाला है, अगर इसकी एग्जैक्ट डेट की बात कर लेना तो यहाँ पर 12 अगस्त से 15 अगस्त के बीच आपको इंडियन सर्वर में देखने को मिल सकता है ये वाला वाइल्ड फायर बंडल, इलेक्ट्रिक शॉक बंडल, जो कि एक मेरा फेवरेट बंडल हुआ करता है। एंड तुम लोग को इसके बारे में मैंने पहले भी बता रखा था, और अभी एग्जैक्ट डेट इसका कंफर्म नहीं हुआ है, बट यहाँ पर चांसेस दिखाए जा रहे हैं कि इंडियन सर्वर में ये आने वाला है। एंड इसकी हेयर स्टाइल जो है ना वो एसके सबीर के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। एंड ये जो है ना आप लोग को डुओ स्पिन इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ये लड़का एंड लड़की दोनों का बंडल इंडियन सर्वर में आएगा। एंड इसकी इलेक्ट्रिक शॉक की हेयर स्टाइल जो है ना बहुत ज्यादा धांसू है यार, येलो गोल्डन कलर का इसका हेयर स्टाइल है। एंड ये आप लोग को एटलीस्ट यार 1000 से 2000 डायमंड तो लेगी ये वाली इवेंट। सो गाइस अब बात कर लेते हैं हमारे सीजन 29 के रैंक सीजन के बारे में, जो की 12 अगस्त को एंड होने वाली है। यानी कि 12 अगस्त को ना तुम सभी लोग मजदूरी करना स्टार्ट कर सकते हो। वैसे इस बार मैं नहीं करूंगा, क्या चाहते हो भाई मैं भी पुश करूं क्या? अगर इस वीडियो में ना 1000 कमेंट होते हैं तो मैं भी पुश करूंगा। वैसे ये इम्पॉसिबल है, बट हाँ नहीं चाहिए मेरे को भाई, इसलिए इम्पॉसिबल ट्रिक दिया हूं तुम लोगों को भाई, मेरे को नहीं करना है पुश। 12 अगस्त को हमारा इंडियन सर्वर में रैंक सीजन एंड होने वाला, सीजन 29 आने वाला है। एंड इसके अंदर आप लोगों को ना ये वाली लॉन्चर की स्किन मिलेगी फ्री में, 2 इमोट जो है वो फ्री मिलने वाली है, एंड आप लोग लड़की का बंडल देख सकते हो, वो टी शर्ट होता है ना ऊपर वाला, वो आप लोगों को फ्री मिलेगा। तो ये तो रहे कि सीजन 29 के रैंक रिवॉर्ड्स, जो कि गरीना ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि ये सारे रिवॉर्ड्स आने वाले हैं। 12 अगस्त को आप सभी लोगों को ना ये रैंक पुश करने पे फ्री में मिलेंगे, तो रेडी हो जाओ इसके लिए। विवो MP40 का ना एग्जैक्ट डेट बताने से पहले आप लोगों को मैं दिखा दूं, इस हफ्ते ना आप लोगों को गेम के अंदर ये जितने भी फोटोज के अंदर आइटम्स देखने को मिल रहे ना, कुछ आइटम फ्री में तो कुछ आइटम्स आप सभी लोगों को डायमंड्स में मिलेंगे। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना कि इतने सारे आइटम्स में ना आप लोग किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो। मैं तो यार ये क्रिमिनल बंडल के लिए एक्साइटेड हूं। इस हफ्ते ना आप लोगों को क्रिमिनल बंडल भी आ जाएगा, यानी कि 13 अगस्त को क्रिमिनल नियॉन बंडल आने वाला है। तो यार रेडी हो जाओ उसके लिए, और लगभग मेरे को लगता है ना 2000 डायमंड उसके अंदर लगेंगे ही लगेंगे। सो गाइस यार अब अगर यहां तक वीडियो देख रहे हो ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर बताना, और आप लोगों के लिए ना एकदम लास्ट में एकदम छोटी सी हेल्प चाहिए तुम सभी लोगों से। तो यार उस लास्ट वाले मैसेज को जरूर से पढ़ना, मतलब लास्ट पार्ट को जरूर से सुनना यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज। तो अब बात कर लेते हैं हमारे कोबरा MP40 के बारे में। तो आप लोगों को ना ये भी इंडियन सर्वर में इसी महीने आने वाला है रिटर्न में। कुछ लोग बोलोगे यार टाइटेनियम भाई क्या मजाक कर रहे हो भाई, अभी तो आया था थोड़े दिन पहले। तो आप लोगों को मैं बता दूं, कोबरा MP40
जो है ना, इसके साथ साथ ये अकेले नहीं आ रहा है। इस बार जो है ना कोबरा MP40 एंड वो UMP गन जो कि बुया डे पे आप लोगों को देखने को मिला था वो भी रिटर्न आ रहा है दोनों साथ में। और ये जो है ना आप लोगों को एक नए तरीके का लक रॉयल में देखने को मिलेगा, यानी कि 2-3 इवो गन्स जो है ना वो एक साथ रिटर्न आने वाले हैं, और वो भी 5th एनिवर्सरी को ओवर होने के बाद, यानी कि 5th एनिवर्सरी जैसे ही खत्म हो जाएगा ना तब आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप लोगों को ना एक बार मैंने पोस्टर दिखाया था जिसके अंदर आप लोगों को ना नियॉन क्रिमिनल बंडल देखने को मिला था, साथ ही साथ 5th एनिवर्सरी के अंदर ना आप लोगों को सारे इवो गन्स भी देखने को मिले थे। तो हो सकता है 5th एनिवर्सरी के अंदर ही आ जाए या फिर आप लोगों को उसके बाद देखने को मिले, लेकिन आप लोगों को सारे के सारे इवो गन्स रिटर्न आने वाले हैं। तो यस गाइस, आई होप कि तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वैसे इवो MP40 के बारे में आपको बता दूं ना, तो ये सबसे पहले रिटर्न आने वाला है आप लोगों को इसी महीने देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा इवो M4A1 जो है ना उसका डेट कंफर्म हो चुका है कि आपको अगले महीने इवो M4A1 आने वाला है। तो देखो यार, नए गन्स के लॉन्च होने से पहले ना पुराने इवो गन्स रिटर्न आते हैं, तो इस बार MP40 पहला रिटर्न गन होने वाला है M4A1 के पहले लॉन्च होने से पहले, एंड ये 100% कंफर्म न्यूज़ है जो कि आप लोगों को मैं दे रहा हूं। तो अब बात कर लेते हैं यार तुम लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देखो यार, वैसे तो ये चीज मेरे को बतानी नहीं चाहिए, बट जब से फ्री फायर बैन हुआ है ना तो इंडियन सर्वर में बहुत कम आप लोगों को इवेंट्स एंड आइटम्स देखने को मिल रहे हैं। यही कारण है कि मैं रेगुलर वीडियोस भी नहीं बना पा रहा हूं, क्योंकि यार मैं किस टॉपिक पे वीडियो डालूं भाई, जो नहीं आता वो तो मैं बता ही नहीं सकता ना, क्योंकि कंफर्म न्यूज़ ही देना मेरा काम है। मैं क्या करता हूं ना कि तुम लोगों को इसी वीडियो के अंदर ना मतलब हंसाता भी रहता हूं, जिससे मेरे 2-3 मिनट निकल जाते हैं हंसाते हुए, एंड इसके बाद ना 3-4 जो कंफर्म अपडेट्स होते हैं वो बता देता हूं, एंड इसी बीच में आप लोगों को जो अपकमिंग अपडेट्स है वो बता देता हूं। पिछले एक हफ्ते से ना आप लोगों को इंडियन सर्वर में ना कोई भी नए इवेंट्स आ ही नहीं रहे यार। सोचो ना, 5th एनिवर्सरी इतना बड़ा इवेंट होता था इंडियन सर्वर के लिए, एनिवर्सरी इवेंट बहुत बड़ा होता था, बट अभी गरीना ना उसमें भी कुछ अच्छी चीजें नहीं ला रही है। तो अब जब गरीना खुद ही कुछ बढ़िया नहीं कर रही है इंडियन सर्वर के लिए, यहाँ पर गेम बैन पड़ा है, उसके बाद भी गरीना वालों ने कुछ रिएक्ट नहीं करा, बस उन्होंने सिंपली क्लियर फंडा बोल दिया कि हाँ फ्री फायर मैक्स में खेलो, फ्री फायर मैक्स को कुछ नहीं होगा, वो इंडियन सर्वर में इंडियन वर्जन है। यार इसीलिए ना मैं सोच रहा हूँ कि कंटेंट को स्विच करा जाए, आप लोगों को अपडेट्स देने के साथ साथ ना कुछ नई चीजें भी बताई जाए, क्योंकि गेम के अंदर डेली इवेंट्स तो आ नहीं रहे। तो तुम लोगों को मैं डेली वीडियोस बनाऊं किस टॉपिक पर, तो देखो अगर रोस्ट चाहिए तो रोस्ट बता दो, या फिर हंसी मजाक फनी वीडियोस चाहिए, या फिर किसी वीडियोस के ऊपर रिएक्शन चाहिए, या फिर मैंने 2-4 कंटेंट कुछ ऐसे सोच रखे है ना जिसको यार अभी तक इंडियन सर्वर में किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बनाया है, तो यार हाँ तुम लोग अगर चाहते हो कि मैं उस पे बनाऊं तो अगर सपोर्ट करोगे तो हाँ मैं उस पे भी बनाऊंगा। क्योंकि अगर बंदा मेहनत कर रहा है ना और अगर वीडियोस बना रहा हूं, अगर वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे ना तो यूट्यूब यार धड़ल्ले से इसको रीच को गिरा देती है अपने चैनल्स की, एंड अभी तुम लोग देख सकते हो यार व्यूज तुम लोग कितने कम आ रहे हैं, एंड पहले के भाई कंपेयर करोगे ना तो ठीक ठाक आ जाते थे। यही कारण है कि मैं रेगुलर नहीं हूं यूट्यूब पर, बट हाँ 2 दिन पे एक बार वीडियोस जरूर डाल देता हूं, एंड पूरी कोशिश करता हूँ यार कि अपना बेस्ट दू, बट यार एक ही कंटेंट पे कब तक यार एक ही चीज बनाते रहेंगे। लेकिन अगर चाहते हो, अगर सपोर्ट करोगे ना कि भाई इंडियन सर्वर में फ्री फायर से हट करके कोई कंटेंट लाया जाए, तो तुम लोगों को मैं वो भी लाऊंगा, डेली लाइफ से रिलेटेड भी कंटेंट लाएंगे। तो यार तुम लोग को कमेंट सेक्शन में हिंट दे करके बताना कि क्या देखना चाहते हो। अब देखो यार टाइटेनियम फैमिली, तुम लोगों ने ना मेरे को भाई कोविड के टाइम पे भी सपोर्ट करा, उसके बाद फ्री फायर बैन हुआ उस टाइम भी सपोर्ट करा, जब व्यूज नहीं आ रहे थे तब भी तुम लोगों ने साथ नहीं छोड़ा है, तो यार अभी ना मेरे को हेल्प की जरूरत है। तो तुम लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा कंटेंट चाहिए, क्या देखना पसंद करोगे, मैं वही बनाऊंगा। तो आई होप कि तुम लोग हेल्प कर दोगे, हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, एंड हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, तब तक के लिए ध्यान रखना, राधे राधे।